ये सर इसमें कोई मेथड नहीं है, मतलब जो प्रॉपर आपका होता है कि 46 कर रहे हैं हम, 90 डिग्री कर रहे हैं, इसमें सब मेथड अप्लाई किया हमने जी। और अंदर से सारा हमने फिलअप शुरू से कर दिया, शुरू से फिलअप किया हमने। तो सर मतलब कौन सी जगह है ये सर? ये सर चौपाल है, चौपाल धनौट जगह है, गाँव का नाम धनौट। आज हम चौपाल के पास में धनौट गांव का नाम है, यहाँ पर हम आप लोग सभी जानते होंगे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर द एप्पल किंग के नाम से एक चैनल आता है, और उसके जो ये जो है उसके जो डेवलपर हैं उनका जो ऑर्चिड है वो है मिस्टर रोहित नागरेक। तो हम उनके आज ऑर्चिड में आए हैं। सर आपके यहाँ ऑर्चिड का एलिवेशन क्या है सर? ये 5000 है। 5000 पे, तो 5000 पे, तो इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं सीडलिंग के ऊपर, किस तरह से उन्होंने ये जो किया है, कौन सी वैरायटी के ऊपर, और किस तरह से उनकी जो प्रूनिंग क्लिक्स हैं, तो वही सब यूट्यूब चैनल पे देख देख के मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, और आज इनसे मिलने के लिए इनके ऑर्चर्ड में हम आए हुए हैं। सर आपका वेलकम है हमारी चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपकी प्रैक्टिसेस को लेकर के, वेलकम कि आप यहाँ इतने दूर सर, से यहाँ तक विजिट करा आपने। तो आपकी प्रैक्टिसेस को लेकर के सर, हाँ जी, तो जैसे बागवान भाई कई सारे जो है जो ओल्ड ट्रेडिशनल वे था हमारा सिस्टम का वगैरह, सो तो इसमें नई डेवलपमेंट्स आई प्रूनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, तो ये जो है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक आम फार्मर तक पहुंच जाए, ताकि वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके, कई सारे सर फार्मर्स अपने पास ये ऐसे भी होते हैं जो रूट स्टॉक पे इतना हैवी एक्सपेंडिचर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या वो अच्छी फ्रूट क्वालिटी के लिए सीडलिंग के ऊपर भी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में सर हमें बताइए, अगर वो नई प्लांटेशन करता है सीडलिंग के ऊपर जो कि उसको कम बजट में हो जाएगी, और उसको किस तरह से शुरू से ही प्लांट को ट्रेनिंग पे ले जाना चाहिए सर? सर सबसे पहले तो सर देखो, जो न्यू कमर है जी, जो भी न्यू कमर आ रहा है उनके लिए मेरा मैसेज तो ये है, क्योंकि मेरी खुद की जो प्रैक्टिस है लास्ट 8 to 9 ईयर की जी, तो उसके अकॉर्डिंग सर मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आपका ट्रेडिशन है उसको रहने दो, उसको मतलब रिमूव करके आप यानी कि रीप्लांटेशन कर रहे हो या आप रूट स्टॉक पे जा रहे हो, बराबर, क्योंकि आपको क्या है कम से कम आपको ये रखो आप जो रिटर्न है उसका, अगर आपने 100 प्लांट भी लगाना है आप M9 पे जा रहे हो, कोई भी रूट स्टॉक है, फेदर प्लांट पे जा रहे हो, 700 का एक प्लांट पड़ता है, तो उसके बाद आप ये मान के चलो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट 100 पे ही जो इन्वेस्टमेंट है आपकी विद स्ट्रक्चर जो भी आप बनाओगे, क्योंकि वो प्लांट ऐसा है कि आपका 10 kg से ऊपर तो आपका बिना सपोर्ट के तो उठा नहीं सकता जी, तो कम से कम ये मान के चलो आप 10-15 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका, और सीडलिंग प्लांट है, क्वालिटी आपकी सेम बननी है, यहाँ भी वही क्वालिटी बननी है, हम भी निकाल रहे हैं जो मेरी खुद की प्रैक्टिस है। शर्त यह कि प्रैक्टिस को अपनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बराबर बराबर। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो रूट स्टॉक में भी इतना ही वो होते हैं आपके जो आप तो, जो प्लांट है बिल्कुल 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 इतना ही होता है सर, बराबर बराबर। स्ट्रॉन्ग बर्ड है इसका जी, क्योंकि सारा स्ट्रॉन्ग बर्ड है, तो उनके लिए प्रैक्टिस को थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि प्रैक्टिस सबकी अपनी अपनी है, आपने देखो ना हमारे जो एक्सपर्ट है पांचता जी हो गए, पंकज नेगी जी, धर्मेंद्र जी, सबकी अपनी प्रैक्टिस है, प्रेम चौहान जी है, बराबर, तो उनका सबका हमने, बल्कि मैंने भी उनसे ऐसा नहीं कि हमने भी सीखा उनसे, सही बात है, सही बात है सर, ऐसे ही सर होता है, खुद से हमारे गया सर, कोई हमारे फॉरेन डेलीगेट जो आते थे इधर उन्होंने विजिट करा, उनसे भी सीखा, काफी कुछ सीखने को मिला, फिर जाके हमने भी यहाँ अप्लाई करी अपने इसमें, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट ये है कि इसके क्वालिटी वाइज भी अच्छा बनेगा, फ्रूट भी अच्छा बनेगा, वही बनेगा सेम जो M9 पे आप निकाल रहे हो वो यहाँ पे भी बनेगा आपका, यहाँ पे भी अच्छा फ्रूट बन रहा है, हम बना रहे हैं, तो जो है समझना पड़ेगा आपको कि कौन सा कोई वीक बर्ड है कुछ है, तो उस हिसाब से प्रूनिंग। दूसरा काम ये है कि इसमें खर्चा कम है जी, आज की डेट में आपको लेबर नहीं मिलेगी, एग्जैक्टली मुझे देखोगे तो मैं, मेरी खुद की सेल्फ प्रूनिंग होती है, मैंने आज तक इसमें प्रूनर यूज करा ही नहीं है, बराबर 6-7 साल से प्रूनर यूज करा ही नहीं है, अब फादर वगैरह थे उस टाइम तो होते थे प्रूनर, बराबर, अब हम तो सेल्फ कर रहे हैं, बराबर, और प्रूनिंग इतनी है कि एक दिन में मैं 50 प्लांट निकाल देता हूँ खुद ही, ओके, क्योंकि प्रूनिंग काम कम है। अभी आप यही देखो आपके सामने ये प्लांट है, अभी इसकी प्रूनिंग नहीं हुई है जी, प्रूनिंग में एक्चुअल में मैं करता हूँ जैन एंड में या फेब में हम करते हैं स्टार्ट, ओके, तो आप यहाँ देखोगे लेबर का यहाँ काम है ही नहीं जी जी, अगर आपको नॉलेज, यहाँ 2 कट लगने सारे, कोई आपका अब 2 बर्ड जहाँ पे आपको कोई वीक लग रहा है या कोई आपने रिमूव करना है इस बार के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना है इस बर्ड को, बराबर, तो हम सिंगल कोई रिन्यू कर दिया वो कर दिया, तो मतलब इतनी सी प्रूनिंग है इसमें, कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत प्रूनिंग होनी है, कोई टूट फूट है वो छांटनी है आपने, बिल्कुल सर, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको निकाला है, यहाँ पर इसको निकाला है, रिन्यू पे डाल दिया हमने, ये रिन्यू पे, ये यहाँ डल गया, ये यहाँ कट गया था लास्ट टाइम में,
जी तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बढ़ रहे हैं, सारे स्ट्रॉन्ग बढ़ रहे हैं, सारे स्ट्रॉन्ग। मैं सर वही देख रहा हूँ सर। अब तो ये ऐसा कि रिमूव आपको है कि कम बर्ड तो आपने रखने, जितने कम बर्ड हो गए उतने अच्छा आपका फूल अच्छा आएगा, फूल अच्छा आएगा। जितनी ज्यादा आपने देना किसी प्लांट में जहाँ फुल फ्लोरिंग होती है जी जी, बर्ड ज्यादा हो गए फुल फ्लोरिंग होगी, लेकिन फ्रूट सेट आपका 50% भी नहीं होगा। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है कि आपकी इस जो प्रूनिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो इससे ऑन ऑफ ईयर में कितना अंतर आ रहा है? सर देखो एक बात बताता हूँ, मैं काफी क्वेश्चन थे ऑन ईयर ऑफ ईयर पे, बल्कि मैंने तो शेयर भी किए थे अपनी व्यूज उस पे। जी जी, तो ऑफ ईयर ऑन ईयर का पहली बात इसमें उतना फर्क नहीं आता है जी, इस वाली लॉकिंग क्लिक में स्पेशली। ओके ओके ओके, क्योंकि पता क्या है जो आपके ये छूटे अब नई छूटे ये ऑन ईयर में भी रखनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि ये आपके सिर्फ ऑफ ईयर में ही आएगी, बराबर आएगी ये ऑन ईयर में भी रखनी आपको ऑन ईयर में पड़ेगी, ऑफ ईयर में भी रखनी पड़ेगी, बराबर। अब उसका यही है कि आपको जो ऑफ ईयर होता है उसमें जो मैं अपनी खुद के बताता हूँ, पियर होगी एप्पल हो गया जी जी। उसमें हम क्या होते हैं हल्की प्रोनिंग करते हैं, हैवी कट नहीं देते, मतलब हैवी प्रोनिंग नहीं करते। ओके, अब जैसे बर्ड है चार चार के दो रख लेंगे, जब ऑन ईयर है आपका तो चार में से आप एक बर्ड रख लो, बराबर। मतलब उसमें है कि ऑन ईयर में आपको थोड़ी सी हैवी प्रोनिंग आप कर सकते हो, आपने करनी है, क्योंकि ऑन ईयर में है कि कन्फर्म है कि सेब लगना ही है इस बारी, ऑफ ईयर में तो एक रहेगा कि लगे ना लगे, बराबर। बस छूटे छोड़नी है आपने, जितनी पिन है आपकी वो रखनी है सारी पिन। तो फिर भी आप मान के चलिए अगर हम किसी प्लांट से 30 kg ऑन ईयर में एक्सपेक्ट करते हैं, ये छोटे से हाई डेंसिटी अल्ट्रा हाई डेंसिटी तरफ या हाई डेंसिटी या जिसको सेमी हाई डेंसिटी बोल सकते हैं, ये तो सेमी हाई डेंसिटी ही बोला जाएगा, सेमी हाई डेंसिटी भी जाते हैं, तो 30 kg वन प्लांट से ऑन ईयर में, तो ऑफ ईयर में इस प्रूनिंग से वो कितना अंतर आ जाता है सर? सर मेरे हिसाब से इतना तो आना नहीं चाहिए। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अंतर आएगा भी तो वही है कि 19-20 का फर्क होना। अच्छा बस 19-20 का, क्या बात है। क्योंकि दूसरा पता क्या है, आप यही देखोगे सारी क्रॉप डिपेंड करती है आपकी बर्ड और पिंस पे, बर्ड और पिंस पे, और ऑफ ईयर में दिक्कत, बिल्कुल वो हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऑफ ईयर में दिक्कत ही आती है जी जी, कि हम एक तो बर्ड बहुत पालते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ऑफ ईयर में आपका बर्ड जो होगा वो रहेगा वीक, बराबर, ज्यादा दिक्कत होती है वीक बर्ड की, आप देखो कुछ बर्ड वीक रहते हैं जी जी, बिल्कुल। अगर इन वीक बर्ड को निकाल के आप स्ट्रॉन्ग बर्ड को एक को बर्ड बनाओगे ना, चार में से एक को रखोगे एक को, तो वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, वो फिर आपको ऑफ ईयर में भी वही काम आना आपके, बराबर वही काम आएगा आपके। बस वही है कि हम क्या होते हैं कि बर्ड को हमारे बर्ड वीक रहता है ऑफ ईयर के लिए, दिक्कत वहीं से आती है, वीक बर्ड होगा तो फूल तो आएगा लेकिन वीक फूल आएगा, बराबर, स्ट्रॉन्ग फूल नहीं आएगा तो फ्रूट सेट नहीं होगा, फ्रूट सेट नहीं होगा, दिक्कत वही है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपने जितना भी न्यूट्रिशन है वो आपने चार में से एक बर्ड को दे दो आप ऑफ ईयर में, बराबर, न्यूट्रिशन प्रॉपर जाएगा तो डेफिनेटली लगेगी ना क्रॉप आपकी, क्यों नहीं लगेगी। ठीक, तो जो ट्रेनिंग जैसे एक शब्द में बोला जाए तो सीडलिंग के ऊपर कौन से ट्रेनिंग सिस्टम को अपनाना चाहिए जो एक मतलब रूट स्टॉक पे नहीं बंधा जा सकता? मेरे हिसाब से मैं जो अपनी प्रैक्टिस बताऊं सर, आप अपने उसके अकॉर्डिंग अगर आपके देखो फ्यूचर देखना हमने तो जी जी, अब हम ट्रेडिशनल प्लांट तो बना नहीं सकते, इतना बड़ा बनाया 25-30 फुट का प्लांट, बराबर, क्योंकि वो हमसे होगा नहीं, उसके लिए फिर लेबर की दिक्कत है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा मसला वही, हमने वही देखना कि जिसमें हम कल को अब प्लकिंग खुद भी करनी, खुद भी करनी पड़े, क्या मैं खुद नहीं कर सकता प्लक इजीली, कर आराम से, आराम से एक बंदा रख इजीली कर सकता हूं प्लकिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वही देखना है, मेरे हिसाब से तो छोटा प्लांट रखो, बराबर, मैक्सिमम 12 फीट तक इनफ है, अगर ये भी होंगे तो जितने भी ये फीट है, बराबर बराबर, खुद ही देखो कितना प्लांट है, बराबर, ये ऊपर से प्रॉपर लॉक किया हुआ है हमने, एग्जैक्टली, ऊपर है ही नहीं, इसमें थोड़ा से ऊपर इसकी ग्रोथ ही नहीं है, और जो कहते हैं कि प्लांट डेड होता है, कोई डेड नहीं हो रहा है, अब अगर ये 9 साल सर्वाइव कर गया अगले 10 साल तो ऐसे भी नहीं, नहीं कोई मतलब इसमें डेड होने का, तो वो हम सर आज यहाँ पर आने का यही था कि हम जैसे इतनी लॉकिंग करते हैं आप इन पे सभी ब्रांचेस पे उन पे ये जो है टॉप पे, तो इसको देखने का कि मतलब ये जो है किस हद तक ये सक्सेसफुल हो रहा है, प्लांट की पोजिशन क्या है। दिक्कत आ रही थी कि पेपरी बार का मैक्सिमम जो एक्सपर्ट भी है वो भी कहते हैं, क्योंकि उनकी अलग थ्योरी वाले, आपकी सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, बराबर, एक्सपर्ट की अपनी अपनी है, क्योंकि एक्सपर्ट का ये है कि किसी का आपको पता है कोई रिंग कट पे उनका कॉन्सेप्ट चला, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट था, पर हमने भी फॉलो किया, ऐसे नहीं हमने भी फॉलो किया, पर रिंग कट में भी मैं बताऊंगा आपको कि उसमें जो रिजल्ट हमने देखे दूसरी कुछ और उसमें ऐड करके, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो बाकी जो लॉकिंग क्लिक का है उसमें नुकसान अभी तक तो देखने को मिला नहीं, बराबर। और पेपरी बार का आता है जब आप इन मोटी ब्रांचों को जैसे इधर ये ब्रांचों में कन्वर्ट हुए थे, ये देखो आप यहाँ पे, हाँ, ये ब्रांच में कन्वर्ट हुआ, बराबर, आपने इसको बर्ड में कन्वर्ट कर, इसको बर्ड में कन्वर्ट किया, लेकिन अगर इन बर्ड को आप समर में करोगे ना फिर आपको पेपरी बार की दिक्कत आती है, क्योंकि हम सैप पे कट मार रहे हैं उस टाइम। ओके, आजकल तो डोरमेंसी में, बराबर, अभी आप क्लिक मार दो
उसके बाद जब आपका सैप चल रहा है तो वो इक्वली डिवाइड होके जाएगा। ओके, आपका हर जगह सैप जा रहा है ना, सैप जाना पाइप में जाएगा आपका, बराबर बराबर, फिर डिवाइडेशन होता रहेगा, पानी पहले तो आपका सीधा ही फ्लो जाएगा ना, बराबर सर, फिर जहाँ से आपको दिया हुआ है जब यहाँ बंद हो जाएगा आगे फिर आपका रिवर फ्लो देगा। ओके, और समर में होता है कि उस टाइम होता है फुल सैप में प्लांट आपका, बराबर, हम काटते हैं समर में, समर क्लिक करते हैं, नए शूट को करो आप, जो नए शूट नहीं ग्रो होते समर में उसको उसको काटना है, उसको करो, उससे कुछ नहीं होना, उसे तो बैक ही मारना उसने। और इसमें यहाँ देखो आप, ये वाला शूट है, मैं समर में अगर क्लिक कर भी दूं इसको, इसमें सैप कितना ही जा रहा है, इससे क्या पेपर वार कर, इससे नहीं, अगर अब यहाँ देखो इतनी मोटी ब्रांच, अगर मैं इसको ही समर में कर दूंगा तो डेफिनेटली सैप पीछे बैक मारेगा, वो बैक मारेगा, आपका स्किन फाड़ेगा। थैंक यू सर।